आज राष्ट्रवादी के चार पदाधिकारी विक्रम खामकर, अभिजीत पवार, हेमंत वाणी और विशांत गायकवाड़, इन चारों को 2 साल के लिए तड़ीपार करने के लिए थाने शहर जिला मुंबई, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, रायगढ़ और पालघर, इन जिलों से 2 साल के लिए तड़ीपार करने की नोटिस दी गई। ये नोटिस 6 मार्च की थी, जो आज सोमवार दिनांक 13 मार्च को उन्हें नौपाड़ा पुलिस स्टेशन ने दोपहर को 2 बजे सर्व की और 4 बजे उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त नौपाड़ा विभाग में हाजिर रहने के लिए ये नोटिस दी गई थी। पिछले 5-6 महीनों से लगातार थाना पुलिस, ये राष्ट्रवादी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हो, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पदाधिकारी हो या कांग्रेस के पदाधिकारी हो, इनको झूठे मुकदमे करके उनमें झूठी IPC के धाराएं लगाने, ये काम थाना पुलिस कर रहे हैं। हम इन नोटिसों का भी खुले दिल से स्वागत करते हैं। अंत में विजय सत्य की होगी, सत्य में वह जयते। पिछले 3-4 महीनों से चाहे वो हर हर महादेव की केस हो, चाहे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड पे झूठा मोलेस्टेशन का केस हो, चाहे मुझ पर 11 पुलिस स्टेशनों में केस किए गए हो और सहायक आयुक्त महेश आहिर इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो केस हो, लगातार थाने पुलिस का रवैया ये राष्ट्रवादी को तंग करने का रहा है। एक तरफ जब मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ राव जी शिंदे थाना में आते हैं तो उनके साथ हत्या जैसे बड़ी संगीन अपराधों में जिन्हें सजा हुई है, ऐसे गुंडे उनके साथ फोटो में, उनके साथ कॉन्वॉय में थाना में दिखाई देते हैं। उनमें से एक गुंडे ने कबड्डी की स्पर्धा भी रखी थी, उस पर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती। उनको जब यहाँ की थाना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, चाहे DCP हो, चाहे ACP हो, चाहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को सैल्यूट करते हैं और उसी फ्रेम में जब एक नामचीन गुंडा मैं देखता हूँ, तो थाना का रहवासी होने के नाते मेरी भी गर्दन शर्म से झुक जाती है। थाने पुलिस का रवैया ये सबके सामने है, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ आशा थाना पुलिस से नहीं है। आपने तड़ीपारी की नोटिस दी है, हम इसका स्वीकार करते हैं और ये न्यायालयीन लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जल्द ही अधिवेशन खत्म होने के बाद महाविकास आघाड़ी के नेतागण बैठेंगे और इसके बारे में जल्दी निर्णय लिया जाएगा। एक तरफ पुलिस का ये रवैया है जहां पर वो लगातार आघात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे कर रही है, और जबकि राष्ट्रवादी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी ने 2 पत्र महेश आयर की शिकायत करते हुए वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में दी थी, उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने महेश आयर के अब तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए भी नहीं बुलाया। हालांकि पुलिस से ये उम्मीद थी कि वो ऑडियो क्लिप फोरेंसिक में देते, उसकी जांच कराते, महेश आयर का वॉइस सैंपल लेते थे मैच करने के लिए, लेकिन ये कोई कार्रवाई जनरल डायर, जो थाना के पुलिस आयुक्त है जयजीत सिंह, उनको मैं जनरल डायर कहता हूँ, उन्होंने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की। पुलिस सिर्फ कार्रवाई राष्ट्रवादी के पदाधिकारी, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पदाधिकारी और कांग्रेस के पदाधिकारियों पे कर सकती है।